हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद कर दूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हैं और अपने अपने स्टडी अच्छे से कर रहे हैं। मेरा नाम है श्री और मैं डीटेट प्लस बी पीजीटी की प्रिपरेशन करती हूं और मेरा स्पेसिफिक सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच मेरे 100 प्लस सब्सक्राइबर करने के लिए, और मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक यू बोलती हूँ। देखिए, अब जब मैंने शुरू किया था तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा मतलब बहुत सा डर भी था कि मतलब मेरे कंटेंट किसी को अच्छे लग भी रहे या नहीं लग रहे। जब 50 सब्सक्राइबर हुए तो मैं थोड़ी सी मोटिवेट हुई कि हाँ, मुझे और ज़्यादा कंटेंट लग के आने चाहिए अच्छे अच्छे सो अब 100 हुए तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच, मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए और अच्छे कंटेंट लेके आऊँगी और आपकी जो भी क्यूरीज होती है उनको मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो क्यूरीज पे याद आया कि कल मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप टीजीटी कंप्यूटर साइंस के बारे में बताइए। सो मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको बताने की, हालांकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि आपको कुछ आइडिया आ जाए और जिससे आप फिर अच्छे से अपने स्टडी प्लान जो है वो बनाएं और अच्छे से अपनी स्टडी करें। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। थैंक यू सो मच। सो जो मेरे नए व्यूवर्स हैं उन्हें मैं बता दूं कि मैंने लिया 75 हार्ड चैलेंज और जिसका आज 7th डे और आज डेट है 9 सितंबर। सो मैं उठी थी सुबह आज, मतलब मैं हमेशा 4 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ी लेट हो गई थी तो बस मैंने सुबह जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए और फिर बस मैं लग गई थी स्टडी करने के लिए। सो देखिए, जब हम किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं ना, मतलब कोई भी सब्जेक्ट की हम तैयारी करें, तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होता है उसका सिलेबस, है ना। तो अगर आपने सिर्फ सीधे ही कोई बुक खरीद ली है, जैसे कोई भी बुक खरीद ली है, आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके आपने मार्केट में गई और आपने बुक खरीद ली और लग गए फर्स्ट नंबर पेज से पढ़ने के लिए, अच्छा ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, लेकिन आप लोग ये ध्यान दीजिए कि आपका जो सिलेबस है वो आपने, ऐसा तो है नहीं कि वो वाला सब्जेक्ट जो आप अभी से पढ़ रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना। आपने वो पहले से पढ़ा है तभी तो आपने वो सब्जेक्ट चूज किया है। हमने ग्रेजुएशन में भी वो सब्जेक्ट पढ़ा है, हमने 11th 12th में भी पढ़ा है, तो आपको बेसिक तो आपका अच्छा होगा ना, तभी तो आपने वो सब्जेक्ट चूज किया, तभी आप उसकी प्रिपरेशन करते हो। तो जो भी आपका सब्जेक्ट ना, उसका सिलेबस सबसे पहले आप नोट डाउन कीजिए। अगर किसी ने नोट डाउन कर रखा है तो और अच्छी बात है। सो नोट डाउन करना ही सिर्फ यहाँ तक ही काम नहीं हो जाता, सिलेबस को आप पार्ट्स में बांटिए, जितने भी टॉपिक है उन सबको पार्ट्स में बांटिए और वहाँ पे सबसे पहले एक नंबर पर उसे रखें जो आपको पहले से आ रहा है, है ना। तो जो पहले से आ रहा है ना उसको एक नंबर पर रखें और फिर उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं ना, सबसे पहले आप उनकी स्टडी शुरू कीजिए और जैसे जैसे एक एक टॉपिक आप स्टडी करते जाते हैं ना, साथ ही साथ उसके MCQs करते जाइए। यहाँ मैं सभी सब्जेक्ट के बारे में बता रही हूँ तो आप लोग अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप देखिए। तो जब आप MCQs करते हो ना तो आपका वो जो वाला टॉपिक है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है और फिर जब आप मतलब आप ना आराम से थोड़ा रिलैक्स भी हो जाते हैं कि हाँ बस ये टॉपिक है ना मेरा एकदम क्लियर है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, आपको इस वक्त क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना है, क्वालिटी पे ध्यान देना है। अगर आप क्वांटिटी के चक्कर में रह जाओगे ना तो आप नेगेटिव मार्किंग में ही रह जाओगे। देखिए, अब कोई बंदा ये या बंदी ये सोच रहे हैं कि 100 क्वेश्चन आते हैं मुझे तो मतलब 70 प्लस करके आने हैं, 80 प्लस करके आने हैं, कैसे भी करके आए। तो देखिए, 70 प्लस 80 प्लस यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो अगर आप तुक्के लगा के आओगे ना तो आपका जो सही हो रहा है ना वो भी आपका गलत हो जाएगा, ये आपको पता ही है। सो जितना हो सके क्वालिटी पे ध्यान दीजिए कि अगर आप 60 अबव भी करके आते हैं तो आपको ये कन्फर्म होना चाहिए कि हाँ 60 में से कोई एक दो क्वेश्चन ही आपने तुक्के लगाए हैं, बाकी आपके सही हैं। और तुक्के लगाने के भी मतलब आपको तुक्के लगाने भी आने चाहिए, ऐसा नहीं है कि चार ऑप्शन ही नहीं आ रहे और चारों में से आपने एक ऑप्शन पे तुक्का लगा दिया, ऐसा नहीं। जिस क्वेश्चन में आप दो पर कंफ्यूज होते हो ना, दो आंसर पे, तो उसमें आप तुक्का लगा सकते हैं, बाकी तीन और चार में तुक्का लगाने से बचिए।
और देखिए जैसे टीजीटी कंप्यूटर साइंस के ना, वैसे तो मुझे इस कंप्यूटर साइंस के बारे में इतना नहीं पता मुझे सिलेबस के बारे में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे इसमें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस, कंप्यूटर डिजिटल, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रहे, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि DBMS है, SQL प्रोग्रामिंग जिसमें C++, ASP, HTML, जावा, ये सब आते हैं, यही तो आते हैं। मैं आपसे भी पूछ रही हूँ कि ये तो आते हैं। सो अब इनमें से आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको कौन से नहीं आ रहे, कौन से आ रहे। और यहाँ पे सबसे जरूरी बात कि 11th 12th की बुक आप जरूर पढ़ें, जरूर से पढ़ें। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास फ़ोन है, फ़ोन में डाटा है, तो आप गूगल से सर्च करिए और आपको पूरी बुक मिल जाएगी। तो ये बहाने मत बनाना कि मेरे पास तो बुक ही नहीं है, अब मैं बुक खरीदूंगी, अभी मेरे पास इतना टाइम है क्या, ये सब मत करना। गूगल है, यूट्यूब है, दोनों चीज़ें हैं फ़ोन में, डाटा भी है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और यूट्यूब पर भी आपको बहुत सी इसके क्लासेस मिल जाएगी, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़िए वही जो आपको पहले से थोड़े आ रहे हैं और अब उनको पढ़ना आपके लिए बेनिफिट है। अगर बिल्कुल भी नहीं आ रहे तो उन्हें आप लास्ट में उनके MCQs ही करिए, क्योंकि देखिए इनमें ना डेप्थ में सवाल नहीं आते। ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ये डेप्थ में नहीं पूछे जाते, ये नॉर्मली 10th लेवल तक पूछे जाते हैं। लेकिन वैसे 11th 12th से भी एक दो क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। तो आप 11th 12th की बुक्स तो आप जरूरी पढ़ें, अगर PGT की कर रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन लेवल तक जरूर से पढ़ें। सो यहाँ मैं TGT स्पेशली TGT वालों की बता रही हूँ। सो आप 11th 12th की बुक तक एकदम कम्प्लीटली आप 12th तक की बुक आराम से पढ़ें, क्योंकि इसमें ना बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। सो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बेसिक क्वेश्चंस आप आराम से कर लोगे। सो पर आपको ये बस ये देखना है कि कौन से टॉपिक को मुझे कितना टाइम देना है। देखिए ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगेगा सिलेबस नोट डाउन करने में, लेकिन आप मेरी मानिए, आप सिलेबस जरूर नोट डाउन करिए और वहां से 1 घंटे में अपने आप से सवाल करके और एकदम माइंड क्लियर करके इधर उधर कहीं भी न ले जाके फोन को आप साइलेंट करके आप बस इस पे ध्यान लगाइए कि मुझे कौन से आ रहे हैं और कौन से नहीं आ रहे। अगर आपने 1 घंटे में ये वाला काम कर लिया ना, तो आप अपनी प्रिपरेशन और भी अच्छे से करोगे और एग्जाम क्लियर जरूर करोगे। सो मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, अगर फिर भी कोई गलती होगी तो आई एम रियली वेरी सॉरी, और आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सो वीडियो काफ़ी लंबी होगी और इसी वीडियो में मैंने 2 दिन की वीडियो कम्प्लीट की है, Day 7 और Day 8 की, यानी कि 9 सितंबर 10 सितंबर की। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव।